नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राम कथा के लिए विश्वविख्यात मुरारी बापू की कथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कुशीनगर स्थित माथा कुंवर मंदिर में पहुंचने के बाद पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलामी दी। इसके बाद सीएम योगी कुशीनगर स्थित एक निजी होटल में चल रही मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे। रामकथा के मंच पर पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस और मुरारी बापू का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुरारी बापू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। रामकथा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश धर्म की धरती है, ये भारत का हृदय स्थल है। राम और कृष्ण दोनों का जन्म स्थान यूपी में है। यूपी में ही बाबा विश्वनाथ की धरती है। गंगा और यमुना का पवित्र संगम भी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध से जुड़े कई स्थल भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए देश उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया पिछले 10-12 महीनों में त्रस्त थी। पूरी दुनिया की स्थिति खराब है, कोरोना ने बहुत नुकसान किया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जब अंतिम दौर में है, ऐसे में राम कथा सुनाने के लिए बापू कुशीनगर में आए हैं। भगवान राम की कथा सुनने से कल्याण होगा, क्योंकि राम का नाम ही मोक्ष है। ये कथा कोरोना पर भारत के विजय का प्रतीक बनेगी। राम जन्मभूमि की लड़ाई पूरे राष्ट्र की थी, ये लड़ाई राष्ट्र की मर्यादा की थी। उसी लड़ाई के कारण राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोरोना की लड़ाई भारत सफलता पूर्वक लड़ाई लड़ रहा है। आज उस लड़ाई का परिणाम है कि हम बापू की कथा सुन रहे हैं और हमने एक साथ दो दो वैक्सीन बनाई है। हम अपने देश के साथ विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन देंगे। कुछ देश कोरोना फैला रहे थे और हम वैक्सीन देंगे। दुनिया के तमाम देशों में हम वैक्सीन दे रहे हैं। भारत ने कभी लोगों को नहीं बांटा। आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध और राम का जीवन चरित एक सा है। थाईलैंड में भी राम की पूजा होती है। वहां का राजा अपने को राम का वंशज कहता है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के तमाम देशों में बुद्ध और राम को एक साथ माना जाता है और राम और बुद्ध दुनिया को जीने की राह दिखाते हैं। इस समय दुनिया अस्त व्यस्त है, लेकिन भारत कुछ दिनों में कोरोना को खत्म कर देगा। भारत की विविधता एकता में पिरोता है, इसलिए हम मजबूत हैं। मुरारी बापू का उत्तर प्रदेश में स्वागत है। कुशीनगर की धरती पर बहुत संघर्ष किया है, मुसहर जाति के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। भगवान श्री राम के आदर्श हमें सन्मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। ये पावन धरती आज भी दुनिया के अंदर जीवन की वास्तविकता का एहसास कराता है, धर्म के वास्तविक मर्म को समझने के लिए हमें मजबूर करता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है यहां पर बापू की इस कथा के माध्यम से यहां के मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के लिए, गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी इस कथा के माध्यम से प्रारंभ हो रहे हैं। कथा तो वही है जो लोक कल्याण का माध्यम बने, और बापू की कथा उसी लोक कल्याण का माध्यम बनकर के बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को आम जन तक पहुंचाने का एक माध्यम भी बन रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मैं कुशीनगर की धरती पर यहाँ के लोगों के बीच हमने बहुत संघर्ष किए हैं, यहाँ के मुसहर जाति के लोगों के हितों के लिए हम लोगों ने बहुत काम शुरू से करने का प्रयास किया। और जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हमने एक संकल्प लिया, हमने कहा मुसहर जाति का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना मकान ना हो। हर एक को मकान दो, हर एक को जमीन का पट्टा दो, हर एक को राशन कार्ड उपलब्ध कराओ। कुछ दुनिया के देश थे जो कोरोना फैला रहे थे, और एक भारत है वह कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दे रहा है। आपने देखा होगा ब्राजील जब भारत की वैक्सीन पहुंची तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किन शब्दों में किया। उन्होंने धन्यवाद इन शब्दों में किया, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाया था और फिर कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतवासियों का इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि यह वैक्सीन हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। हमारे यहां लड़ाई कभी उपासना विधि की नहीं थी, कभी नहीं थी। हमारे यहां स्वतंत्रता थी इन सब बातों को लेकर के।
सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।